जैसे कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत जो थे उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उनके भी इंडस्ट्री से प्रेशर वगैरह, हम साइन नहीं करेंगे तुमको, हम ये नहीं करेंगे, काम नहीं मिलेगा तुमको कहीं पे, हमारे वजह से तुम आए हो यहाँ तक। लोग उनको एहसास दिला दिला के उनको डिप्रेशन में डालते हैं। पहले तो आर्टिस्ट को डिप्रेशन हो जाता है कि मेरे पास करने को कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, एंड उसके बाद फिर वो डिप्रेशन के मारे वो कुछ और कर लेता है, कोई ऐसा कदम उठा लेता है, सुसाइड कर लेता है। तो फिर हम लोग शोक मनाते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, दैट की जस्टिस फॉर हिम, जस्टिस फॉर हिम। एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आप सभी लोगों को एंटरटेन करने। आज के वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाली हूँ बेला के इंस्टाग्राम लाइव वीडियो पे, जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट पे। एंड इस वीडियो में बेला ने कुछ ऐसी कंट्रोवर्सियल बातें की हैं, बहुत सारी चीजें रिवील हुई हैं। तो चलो देखते हैं इस वीडियो को, मेरा क्या रिएक्शन होता है वो देखने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। मैं लास्ट में मेंशन करूंगी कि मेरे क्या थॉट्स हैं इस वीडियो को लेके, एंड क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो सारी चीजें मैं मेंशन करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा मेरे सारे कमेंट्स जानने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब करो, मैं इसी तरह के एंटरटेनिंग वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके जब भी मैं आपके फेवरेट आर्टिस्ट के वीडियो पर रिएक्ट करूँ। चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड उसके बाद बताएंगे कैसा लगा मुझे वीडियो, एंड वीडियो में क्या क्या शॉकिंग बातें पता चली है वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो पुट ऑन कर लेते हैं अपना हेडफोन्स एंड स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। 1 2 3 स्टार्ट। इसको अपन कोई लाइव नहीं लेंगे, इसको अपन स्ट्रेट इंटरव्यू की तरह मानेंगे। आई जस्ट वांट यू गाइस टू लिसन मी दिल से, उसके आगे जो तुम्हें सही लगे वो करो, राइट। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग हसल टू कॉन्फ्रेंस हो रही है, सब कुछ हो रहा है, एंड नॉट इंक्लूडिंग द विनर। आई एम ओके विद इट, आई एम सीरियसली ओके विद इट। मेरे को ऐसा जलन या ऐसा कोई दुख नहीं हो रहा है अंदर से। ऐसा तुम लोग जैसे डीएम करते हो ना मेरे को, कभी कभी मेरे को हर्ट होता है कि लाइक व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट अ आर्टिस्ट, समझ रहे हो? लाइक यार देखो, उनका काम था मेरे को एक पुश देना, एक बूस्ट देना स्टेज का, वो मेरे को मिला, उस वजह से मैं तुम लोग तक पहुंचा। अगर वो बूस्ट मेरे को नहीं मिलता तो शायद मैं तुम लोग तक कभी रीच ही नहीं कर पाता। मैं मेहनत करता रहता और शायद कभी एक टाइम आता कि हाँ मैं रीच वो मिल जाती। मेरे को बहुत से आर्टिस्ट को मिली है ऐसे भी, बट आई डोंट थिंक सो कि वो टाइम इतनी जल्दी आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन वो आया हसल की वजह से, तो इट मीन्स अ लॉट टू मी। मैं उस दिन बहुत नशे में था अत, जिस दिन मैंने अपने दिल की बात बोली थी। अब वो क्यों बोली? बिकॉज मैंने उस दिन भी आके ठीक से कुछ बातें नहीं बोली, एंड हसल वालों ने मेरे जीतने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में रखा ना कि लाइक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल। भाई मेरे को वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं जमा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत लोगों को नहीं जमा, किंग को भी नहीं जमा, ईपीआर को भी नहीं जमा। ईपीआर मेरे पास आके बोला कि भाई ये मत कर, बर्बाद हो जाएगा, मत कर। तो मैं अपने बड़े भाई की बात माना, मैं ईपीआर की बात माना। उस टाइम पे मैं ईपीआर को बहुत मानता था, लाइक ईपीआर की पॉजिटिविटी, श्लोका के शब्दों में, यू ऑल नो दैट, ठीक है। तो मैं उसकी बातों में आके वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ठीक है, चलो कॉन्ट्रैक्ट चला गया, 1 साल हो गया। मैं मुंबई में था एंड आई वाज लाइक कि मेरे पास खाने को भी पैसा नहीं है ब्रो। गाने मेरे आ रहे थे बट कैसा, कटाना चली मेरी तो खजाना है, ये सब गाने आ रहे थे मेरे, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और वो गाने चल नहीं रहे थे ब्रो, पैसा नहीं आ रहा था घर पे, घर वाले प्रेशर बना रहे थे, एवरी वन, मतलब समझ रहे हो ना तुम, दोस्त लोग भी, यार तू फेमस भी हो गया, सब हो गया, किंग को देख, इसको देख, कॉल्स आ रही हैं मेरे को। अभी तो मैंने तुम्हें बताया भी था कि लाइक का भाई ने कॉल करके बोला एमसी स्टैन ये कर रहा है वो कर रहा है, तुम समझ रहे हो? तो बहुत प्रेशर आ जाता है। एक तो तुम किसी इंसान को 1 vs all कर दो, देन डिस्ट्रॉय कर दो उसकी मेंटेलिटी, फिर उसको मेंटली रिटार्डेड बोल दो, फिर उसको रोने भी मत दो और उसको मौके भी मत दो। It doesn't make sense. Then मैंने MTV वालों को बहुत कॉल किया यार कि मुझे काम दे दो। मैंने हाथ जोड़ जोड़ के उनको बोला मुझे काम दे दो, मुझे कुछ ऐसा करने दो कि लाइक कुछ हो, समझ रहे हो? तो दे केम अप विद हसल फ्रॉम होम। तो यार मैंने उनके लिए झाड़ू भी लगाया, ठीक है, उनके एक बार कहने पे कि बेला वी वॉन्ट दिस फ्रॉम यू। तो बेला ने वो सब किया, हसल में जो जो बोला सब किया, एंड नाउ आई एम गेटिंग दिस। कोई दिक्कत नहीं है, आई एम गुड। बट जब लोग ये चीजों के बारे में पूछते हैं तो मैं क्वेश्चन मार्क में हूं कि मैं उनको जवाब क्या दूं।
तुम समझ रहे हो कि मैं उनको जवाब क्या दूं? अभी वो ईपीआर जो मेरे साथ एक कमरे में बैठता था, कभी मेरा कभी खास दोस्त हुआ करता था, वो मेरे को बोलता था हसल के टाइम पे, और हसल के बाद भी आया, मेरे पास चैट्स है उस चीज की, राइट? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आई एम रियल एज फक। मेरे पास चैट्स है जिसमें ईपीआर बोलता है कि किंग फटे हुए बांस की तरह साउंड करता है, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट, और बहुत चीजें यार ऐसी जो एक दूसरे के बारे में बोली गई हैं हसल के टाइम पे भी, कि अगर किंग ये शो जीत जाता भाई मैं तो रैप ही छोड़ दूंगा, दिस ये ईपीआर के वर्ड्स थे। और आज जब मैं ये चीजें देखता हूं कॉन्फ्रेंसेज में, व्हेन ही सेइंग के आई फील किंग्स ऑरा, आई फील के भाई किंग ने ये कर दिया वो कर दिया, यहां कोई रियल है? कमाल कर रहे हो यार, यहां कोई रियल है? लिटरली इस देसी हिप हॉप सीन में कोई रियल रह गया है? मैंने बोला था ना, शॉकिंग जो चढ़ता हुआ दिखेगा उसका पैर पकड़ लोगे क्या ब्रो? आई मीन दिस इज सो रॉन्ग। आर्टिस्ट को कब मौका मिलेगा? लाइक मेरे जैसे और कितने आर्टिस्ट हैं? आज मैं दिल्ली में बैठा हूं और मैंने इतने आर्टिस्टों को सुना, इतने आर्टिस्टों को मिला हूं ब्रो, लाइक गांड फट जाती है ब्रो, इतने गांड फाड़ आर्टिस्ट है और वो इतना हील कर रहे हैं लोगों को, इतना प्यारा म्यूजिक दे रहे हैं, बट वो रीच आउट ही नहीं हो पा रहे, उनको स्ट्रीम्स नहीं मिल रही। चलो ये भी मैटर नहीं है, मैटर ये भी नहीं है, मैटर ये है कि मैं वो शो जीत के भी मैं क्या क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग कि मैं तुम लोगों को हील करने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम नॉट मेकिंग म्यूजिक फॉर दिस शिट और फॉर दैट शिट और फॉर दैट शिट, मेकिंग म्यूजिक टू ग्रो अप। मैं अपने आप को बड़ा करना चाहता हूं यार, यहां से बड़ा होना चाहता हूं, और वो तुम लोग समझ नहीं पाते हो। मैं कैसा इंसान हूं वो तुम्हारे लिए क्यों मैटर करता है ब्रो? क्या मैं तुम्हारे घर में आकर कभी पूछता हूं कि यार तुम कैसे हो, तुम अपने माँ बाप से कैसे बिहेव करते हो, तुम किससे क्या बात किए? मैं कैसा हूं वो तो दाई जानता है ना यार, मैं कैसा हूं वो बिग स्माइल जानता है, मैं कैसा हूं या वो जानता है जो मेरे साथ बैठ के दो घंटा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात किया रहेगा कभी जिंदगी में। तुम कैसे किसी भी इंसान की बातों में आ जाते हो यार कि बेला ऐसा है, बेला इगोइस्टिक है, बेला ये है, बेला वो है? दिस फील सो रॉन्ग। मेरे को अभी कितने लोग एमटीवी के अंदर से कॉल करके आज बोल रहे कि ब्रो एमटीवी की कुछ टीम है जो वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तू शो का पार्ट हो। दैट्स कूल, मैंने गलतियां करी है, मैंने उनको गालियां दी है, तो वो क्यों चाहेंगे कि मैं शो पे आऊं? करेक्ट करेक्ट, बट उस चीज का भी एक रीजन था। लाइक मैंने कुछ किया, जीता, तुमने बोला कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ये करेंगे, उसको आर्टिस्ट बना देंगे। वेयर इज योर विनर ऑफ season 1? डू यू नो दैट? मुझे कोई ग्रजेज नहीं है, मुझे बहुत प्यार है उस शो से, आज भी उस शो के क्रिएटर टीम सबसे बहुत प्यार है, बट दिस इज रॉन्ग नो। मेरे को शो से या स्टेज से कोई मतलब नहीं है, बट वो शो ऐसा है ना ब्रो कि आपकी आवाज ऐसे लोगों तक पहुंचाएगा ना जिनको आपकी जरूरत है, जो आपको सुनने के लिए मजबूर। मतलब मैं जानता हूं कि हसल season 1 के बाद कितने लोगों ने दिल से मुझे अप्रोच किया कि भाई तूने हमें बचाया, तूने हमें डिप्रेशन से बाहर निकाला, इस चीज से बाहर निकाला, एंड दैट इज अ विनिंग, मेरे लिए वो जीत है। और अगर तुम मुझसे वो चीज दोबारा करने के लिए छीन लोगे कि नहीं बेला अब तू दोबारा ये चीज नहीं करेगा, तो That hurts bro। मेरा पहला ऑडिशन था रेप के बारे में, लास्ट था खुश नहीं खुद से। I was real from day one bro। शुरू से हीलिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं, वहां पे आके मैं ये, तुम वहां आके ये बोल रहे हो कि बेला ने जो लड़की के बारे में बोला वो फेक था। चलो वो तुम वो सब हटाओ ना यार, जो मैंने रैप किया था लड़की के बारे में रेप के ऊपर, तुमने उस पर ध्यान दिया? तुम लोग कभी उस चीज को नोटिस में लाए ही नहीं। कब वेट कर रहे हो कि क्या मैं अपनी मेहनत कर करके ऑडियोस डाल डाल के एकदम बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगा तब तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे क्या? तब तो फिर मैं ऐसे ही ठीक हूं ना यार, तब तो हर कोई रफ्तार और इक्का भाई जैसा ही फील करेगा ना यार। क्या पता उन लोगों को भी तुमने सपोर्ट नहीं किया इसलिए अब वो लोग ऐसे तुमको रिप्लाई नहीं देते, हम लोग को भी ऐसा लगता है, हर किसी की अपनी सिचुएशन रहती है, राइट? बट समझो ना यार किसी आर्टिस्ट को। फिर तुम लोग
उम्मीद करते हो कि ये आर्टिस्ट दम ना तोड़े, या आर्टिस्ट सुसाइड ना करे, या आर्टिस्ट खत्म ना हो जाए। दिस इज रॉन्ग। बायोपिक शॉकिंग। बना के क्या कर लोगे फिर? व्हेन आई एम नो मोर। आई एम कंफ्यूज। मुझे असल में जाना भी है और मुझे नहीं भी जाना है। आई एम कंफ्यूज इनसाइड माई हेड। इसको घमंड बोलो, ईगो बोलो, कुछ बोलो, हक से है ब्रो। वो सीजन मेरे लिए बहुत मैटर करता था, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, समझ रहे हो? उस सीजन ने तुम्हें एमजी बेला दिया, भूलो मत ये बात। कोई भी नहीं, मैं भी नहीं भूलता हूँ ये बात कभी भी, ठीक है? बट आई रिस्पेक्ट दैट। अ लॉट ऑफ नहीं करते उस चीज को रिस्पेक्ट। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब इतने सारे दिल से ये जो लोग हैं मुझे इतना प्यार करते हैं और बोलते हैं कि बेला तूने हमें हील कर दिया, तूने ये कर दिया, वो कर दिया। आई फील सो हम्बल एंड गुड ब्रो। इतना अच्छा लगता है ना दिल से, मतलब रात को नींद आता है, बट वो नींद दूर हो जाता है ब्रो जब धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि मैं पजल ठीक करता जा रहा हूं और लोग उसे आके खराब करते जा रहे हैं। और उसमें मैं अकेला इंसान क्या कर लूंगा यार, मैं कितनों को रोक लूंगा? कब तक चलेगा ये वन वर्सेस सारा ऑल? आई डोंट नो, आई डोंट नो। अभी और कितने ताने सुनने बाकी है, क्या क्या करना बाकी है। आई एम जस्ट मेकिंग गुड म्यूजिक और उसे सुनो। मुझे खुद को समझाने का मौका दो। ओके तो ये खत्म हो गया। ओके तो बात कर लेते हैं वीडियो के बारे में। सुसाइड एंड ऑल की बातें हो रही थी। बहुत ज्यादा शॉकिंग है इंस्टाग्राम लाइव रहा एंड बहुत सारी चीजें रिवील भी करने की कोशिश की बेला ने। या गाइस, मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब एक अच्छा आर्टिस्ट, अच्छा टैलेंट आपके पास होते हुए आपको कोई बूस्ट नहीं मिल रहा है, पब्लिक के तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। एंड बहुत सारी चीज़ें हर्ट करती हैं लोगों को जब वो मेहनत करते हैं, मेहनत पे मेहनत चालू रखते हैं एंड उसके बाद भी लोग वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, गानों को वैसी चीज़ें नहीं मिलती है। बेला के साथ जो हो रहा है वो मतलब काफ़ी रिलेटेबल है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो काफ़ी बुरी है एंड एक अच्छा आर्टिस्ट इसी वजह से मर भी जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप उन ऐसे आर्टिस्ट को खो देते हैं। वैसे लोगों का तो कुछ नहीं जाता है क्योंकि लोगों को तो क्या एंटरटेन होने से मतलब है, आज ये है तो कल कोई और होगा उसके जगह पे, तो उनके लिए जगह बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन इनका क्या? इन्होंने तो मेहनत किया ना यार, इतने दूर तक ये आए, इन्होंने इतना कुछ मेहनत से पाया, अपनी मेहनत से पाया। हाँ, हसल ने इनको दिया बट फिर भी बहुत कुछ इन्होंने खुद के मेहनत से ही गेन किया है एंड हसल को भी खुद के मेहनत से ही जीता। बट फिर भी ऐसे इनके साथ होना इज नॉट फेयर। मुझे भी ऐसा फील हुआ कि ये गलत है एंड एक छोटी सी चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हुई इनका जो पूरा होल जर्नी देखने के बाद। इन्होंने अपने पूरी जर्नी की बात की, हसल की बात की, उसमें ईपीआर कैसे बात करते थे इनके साथ जब जाते थे तब कैसे बात करते थे एंड अभी कैसे बात करते हैं एंड लोग कैसे बदल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई अपने इस इंटरव्यू कम लाइव वीडियो में। तो उसमें मुझे एक चीज़ समझ में आई दैट कि ये मतलब जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं ना, जो भी जितने भी अच्छे आर्टिस्टों को मैंने अभी तक देखा है जो कि दिल से गाना गाते हैं, दिल से गाना बनाते हैं, उन सब का दिमाग, उन सब का जो एक मतलब ना मासूमियत उनकी बरकरार रहती है, वो कभी भी वो सब नहीं करते ना कॉन्स्पिरेसी, छल कपट वाली चीज़ें, इसको धोखा दे दें, इसको मतलब होता नहीं है सिर पे पैर रख के आगे बढ़ जाएं, किसी को चीट करके आगे बढ़ जाएं, वो सारी चीज़ें इनके अंदर नहीं होती है। ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी वो मेंटेन करते हैं, एक सच्चाई अपने दिल में मेंटेन करते हैं एंड इसी सच्चाई से वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बट बहुत से आर्टिस्ट पीछे रह जाते हैं, जैसा कि बेला को ही देख लो, इतने अच्छे गाने बनाने के बावजूद भी बेला अभी तक इतना भी बहुत ज़्यादा भी फेमस नहीं हो पाए हैं एंड बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते इनके गानों पर। तो
ये बहुत बुरी चीज है गाइस, सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को बेला को। मैं तो पूरी तरह से इनको सपोर्ट करती हूँ एंड मुझे भी ये चीज फील हुई है कि आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। एंड जब ये आर्टिस्ट नहीं रहेगा हमारे साथ तब करोगे क्या सपोर्ट? ये जो इन्होंने बोला वो चीज काफी ज्यादा एक हार्ट टचिंग रहा मेरे लिए एंड बहुत बुरा फील हुआ। जैसे कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत जो थे उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उनके भी इंडस्ट्री से प्रेशर वगैरह, हम साइन नहीं करेंगे तुमको, हम ये नहीं करेंगे, काम नहीं मिलेगा तुमको कहीं पे, हमारे वजह से तुम आए हो यहाँ तक। लोग उनको एहसास दिला दिला के उनको डिप्रेशन में डालते हैं। पहले तो आर्टिस्ट को डिप्रेशन हो जाता है कि मेरे पास करने को कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, एंड उसके बाद फिर वो डिप्रेशन के मारे वो कुछ और कर लेता है, कोई ऐसा कदम उठा लेता है, सुसाइड कर लेता है। तो फिर हम लोग शोक मनाते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, दैट की जस्टिस फॉर हिम, जस्टिस फॉर हिम, ऐसे करके करते हैं। तो यार ये सब मत करो गाइज, अभी इनको सपोर्ट करो। अभी ये गाने बना रहे हैं, अपने मेहनत से गाने बना रहे हैं, अपने चैनल पे गाने बना रहे हैं, तो इनको सपोर्ट करो गाइज एंड जितना हो सके एक अच्छे आर्टिस्ट को सपोर्ट करो, एक अच्छी आवाज को सपोर्ट करो, जो दिल से गाने बना रहा है उनको सपोर्ट करो। जैसे कि इन्होंने बोला बिग स्माइल एंड ऑल दैट जो कि इनके साथ गाने बनाते हैं उनको मालूम है कि बेला किस तरह के हैं एंड क्या है, एंड हमें उनकी पर्सनल लाइफ से लेना देना ही क्या है गाइज। वो एरोगेंट है या कैसे भी हैं, लेकिन वो अच्छे गाने बनाते हैं, ये हमारे लिए जरूरी है। तो यही चीजें मैटर करती हैं, एक अच्छे आर्टिस्ट को आगे बढ़ना है तो उसके लिए बस यही चीज मैटर करती है कि आप अच्छे आर्टिस्ट हो, आप अच्छे से गाना बनाते हो, आप दिल से गाना बनाते हो, दिल तक पहुंचती है वो बात। अगर पब्लिक के दिल तक बात पहुंच रही है तो डेफिनेटली वो चीजें मैटर करती हैं लोगों को एंड लोग उस चीज को फॉलो करेंगे ही। तो जो ये वीडियो था ये काफी ज्यादा हार्ट टचिंग था एंड काफी ज्यादा एक डिप्रेसिंग बात है ये, एंड ये एक बहुत बड़ी सच्चाई भी है जिसको हमें मानना चाहिए एंड हमें इनको जरूर से सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगी, थॉट्स रहेंगे इस वीडियो के ऊपर। एंड काफी ज्यादा बुरा लगा मुझे ये सारी बातें जानकर कि लोग किस तरह से आगे बढ़ते हैं एंड उसके बाद फिर उनके साथ इस तरह की चीजें होती हैं। एक विनर जो हसल का वन का जो विनर है, जो हसल टू में भी बहुत से लोग जाएंगे, बहुत से कंटेस्टेंट जाएंगे एंड वहां पे जाके अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग बहुत सारे सपने लेके जाएंगे दैट कि इसके इस शो के बाद अगर हम विनर बनते हैं तो हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन जब वो बात करेंगे कि हसल वन के विनर के साथ क्या हुआ, तब फिर उनको एहसास होगा दैट कि नहीं यार, एक नेगेटिविटी आएगी कि हसल वन के विनर के साथ भी तो कुछ खास हुआ नहीं, उनको भी तो कोई प्रोजेक्ट मिला नहीं, तो डेफिनेटली हमको भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये एक नेगेटिविटी आएगी सब सारे कंटेस्टेंट के अंदर एंड पूरी तरह से टोटली इग्नोर कर देना हसल वन के विनर को, हसल टू में बिल्कुल ही कुछ भाव ना देना, ना किसी जज में नाम रखना, ना किसी मतलब समझ सकते हो कि किसी भी लिस्ट में उनका नाम नहीं रखना इज लाइक रियली रियली सैड थिंग फॉर MTV। एंड ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसके पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे बड़े लोग हैं एंड वो सारे लोग मिलके ये सारे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से शायद ये सारे शोज काफी ज्यादा फेक माने जाते हैं, काफी ज्यादा फेक बन जाते हैं, क्यों वो सच्चाई को दिखाने की कोशिश नहीं, वो बिल्कुल भी एकदम टोटली टैलेंट पे बेस्ड नहीं रह जाएंगे। तो इस तरह के शोज को देखने से अच्छा है कि हम बेला को ही सुन ले। होप कि आपने इस चीज को समझा होगा एंड आप मेरे बातों से अग्री करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिएगा। कमेंट करके बताना कि आप लोग बेला को सपोर्ट करते हो या नहीं, अगर करते हो तो सपोर्ट बेला ऐसे करके लिख के कमेंट करना। ये वीडियो यहीं तक, मैं मिलूंगी आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।